आदिवासी हिंदू नहीं बघेल के मंत्री के बयान पर बीजेपी हमलावर, बोली कांग्रेस का काम बांटना। केदारनाथ कश्यप ने कहा कि कवासी लाखमा को आदिवासियों के बारे में कुछ पता नहीं है। कवासी लाखमा किस आधार पर कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है? हम तो कई पीढ़ियों से भगवान गणेश और माँ दंतेश्वरी की पूजा करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लाखमा की ओर से आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। उनके बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। आदिवासी नेता केदारनाथ कश्यप ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों को बांटना चाहती है। दरअसल कवासी लाखमा ने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। केदारनाथ कश्यप ने कहा कि हम लोग दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाते हैं, जो कि हिंदुओं का पर्व है। कवासी लाखमा को आदिवासियों के बारे में कुछ पता नहीं है। कवासी लाखमा किस आधार पर कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है? हम तो कई पीढ़ियों से भगवान गणेश और माँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। केदारनाथ कश्यप के मुताबिक कवासी का बयान आदिवासी समुदाय के लोगों को बांटने की कोशिश है। पूरे देश में आदिवासी समाज के लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर अपरोक्ष रूप से प्रहार करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पिछले 2 दशकों के राज्य के किसी भी आदिवासी नेता को 3 वर्ष से अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहने दिया गया। खुद को झारखंडी बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा झामियों के नेता ने यह आरोप लगाया है कि विपक्षी पार्टी झूठे आरोप लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश रच रही है। उन्होंने भाजपा के नाम पर लिखे बगैर कहा, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को 3 साल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया। बाद में अर्जुन मुंडा को 3 साल से अधिक समय पद पर नहीं रहने दिया गया। उन्होंने कहा, लेकिन उसी के साथ एक छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री बनाया गया। और झामियों नेता अप्रोच रूप से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उल्लेख कर रहे थे, जिनका पैतृक घर छत्तीसगढ़ के राजानंदगांव जिले बोरड़ी था। यहां झारखंड में मुक्ति मोर्चा झामुमो के 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे थे। फिलहाल आप देखते रहे सबसे तेज।